हमारे काम करने वालों में तहज्जुद का एहतमाम नहीं है, तहज्जुद का एहतमाम नहीं है। देखे लम्बे मशरे हो गए, तहज्जुद छूट गई, थक गए, बल्कि अब तो ऐसे बेअक्ल लोग हैं कहते हैं कि ये काम बड़ा अफजल है, ये तो तहज्जुद है, ये तो नफिल है। कैसी बेअकली की बात, कैसी बेअकली की बात है, कैसी बेअकली की सोच है। हालांकि वो तहज्जुद जिससे दावत की बात वाज़े हो जाती कि कुरान कहता है अक़्वम क़ीला कि रात का क़याम सबसे ज्यादा दावत की बात को वाज़े करने वाला है, कुरान में है अक़्वम क़ीला कि ना कि रात का क़याम और तहज्जुद दावत की बात को वाज़े करा देगा, सही बात दिल में डालेगा। और ये फरमाया आगे इन्ना लगा फिन नहारी सबहन तवीला के दिन भर दावत के कारनामों में, दावत के तकाजों में अल्लाह की मदद आपके साथ होगी अगर आप रात के क़याम का एहतमाम करें। और सबसे ज्यादा नफ्स को कुचलने वाला अमल है रात का क़याम। फरमाया अशद वत्आ कि नफ्स कुचला जाता है रात के क़याम से। तो इसलिए तहज्जुद का खूब एहतमाम करें, तहज्जुद को अपना मामूल बना लें, इसमें रिज़्क़ की वसअतें हैं। तुम जाके अगर ये नहीं करोगे तो खुदा की कसम रिस्क की वो सातें सूद में देखोगे, झूठ में देखोगे। जाके हुकाम से अपने लिए सूद या कर्ज के मुतालबे करोगे अगर रात के तहज्जुद और क्याम से और रात